हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई होप कि आप सब मज़े में हो, खुश हो। सो वेलकम बैक टू आर चैनल बी यू बी ब्यूटीफुल। एंड एज़ यू कैन सी, मैंने ओनम के एक लुक क्रिएट किया हुआ है। ओनम इज़ अ सेलिब्रेशन विच आर केरलाइट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सेलिब्रेट, एंड दिस इज़ ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। तो ज़्यादा पक पक नहीं करते हुए, लेट्स सी हाउ वी डू दिस। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट ओनम इज आई लव द साड़ी विद अ गोल्डन बॉर्डर विच दे ड्रेप इट विद डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ब्लाउसेज एंड द गजरा द ऑर्नमेंट्स, एवरीथिंग गोज सो वेल। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट इन टू द ट्यूटोरियल। So namaste once again to all of you my angels, and as you can see I have cleaned, prepped and moisturized my skin, just applying some serum. This is from Farsali which I've applied, and after applying this it's time to apply some primer. हाँ जी, प्राइमर लगाने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और अगर आपके स्किन में पोर्स है जैसे कि मेरे है तो ज़रूर है, तो वो छिप जाती है। तो मैंने यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाया है, और आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर लेट्स स्टार्ट विद द आई मेकअप। आईज़ को मैंने आफ्टर यूजिंग द प्राइमर कंसीलर से कवर कर दिया है। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट में रखा हुआ है सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड। विद द हेल्प ऑफ अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इसके ऊपर हमें लगाना है एक ट्रांसलूसेंट पाउडर। मैंने यहाँ पे शीन का प्रोडक्ट यूज़ किया है, शी ग्लैम जिसे कहते हैं। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मेरे पास निक्स का एक पैलेट है जिससे मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ। तो इसे इस तरीके से बस प्लेस करिए पर्पल शेड को आँखों के क्रीज पर, और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की सहायता से इसे हमें ब्लेंड करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से, जिस तरीके से आप पेन को पकड़ते हैं इस तरीके से पकड़कर हल्के हल्के हाथों से चलाइए। अभी सेम पैलेट में से मैं अपना थोड़ा डार्कर वायलेट शेड यूज़ करने वाली हूँ, एंड प्लेसिंग इट ऑन दी आउटर वी। इस तरीके से उसे थोड़ा प्लेस करने के बाद दोबारा ब्लेंडिंग ब्रश के सहायता से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देखेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। इसके ऊपर मैंने पिंक शेड का इस्तेमाल किया है ऑन द सेम पैलेट यू विल फाइंड, एंड उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। याद रखिए, आपको जो कोई कलर चाहिए आप गो हैड एंड यूज़ इट, बिकॉज मेरा जो ड्रेसिंग है वो कुछ इस तरीके से है। तो आई एम प्लेइंग विथ पर्पल, वायलेट एंड पिंक। सो नाउ निक्स इज़ डन, मैंने निक्स को बगल में रख दिया। अब मैं ले रही हूँ हुडा का रोज़ गोल्ड पैलेट, उसमें से जो गोल्डन कलर है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ अट्रैक्टिंग मी एंड इट गोज़ विथ माई साड़ी। तो मैंने बस हल्के से अपने फिंगर की मदद से उसे लेकर अपने सेंटर ऑफ द आईज और ब्रिंगिंग इट टू द इनर कॉर्नर ऑफ द आई इस तरीके से लगाया हुआ है। तो आपका ओनम का क्या प्लान है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो प्लांटेन जो लीफ है, केले का पत्ता, उस पर जब बहुत वैरायटी ऑफ डिशेस सर्व किया जाता है, इट्स सो यम्मी टू ईट एंड वंस इन अ वाइल, वाओ। आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। सो प्लीज़ शेयर विद मी व्हाट आर योर प्लान्स। तो मैंने सेकंड आई को भी कवर कर दिया है, और हुडा के पैलेट में से ही मून डस्ट शेड यूज़ कर मैं अपने आईब्रो बोन्स और इनर आईज को हाईलाइट करूँगी। टेक योर टाइम इन ब्लेंडिंग, बिकॉज ब्लेंडिंग इज द की टू मेकअप। Thank you.
अभी आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कॉन्टोर किट फ्रॉम रिमेल। याद रखिए, आपको आईब्रोज के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई किट अवेलेबल हो या आईब्रो पेंसिल होना चाहिए। यू कैन जस्ट डार्कन इट विथ द हेल्प ऑफ एनी आई शेडो पैलेट और एनी कॉन्टोर पैलेट। बट याद रखिए, ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, इट लुक्स वेरी अननेचुरल। गो फॉर ब्राउन शेड। यहाँ पे मैं अभी वाटर लाइन को डिफाइन करने के लिए मेबेलिन न्यूयॉर्क का कोलोसल काजल विथ आर्गन ऑयल 12 आवर्स एक्स्ट्रा ब्लैक इस्तेमाल कर रही हूँ टू डिफाइन दी वाटर लाइन। मैंने ऑफ कैमरा आईलाइनर लगा लिया है और अब आई विल बी कंसीलिंग द डार्क सर्कल्स। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिंक्स मैं डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आपके सुविधा के लिए आप जाकर चेक कर सकते हो। तो आजकल आप देखोगे कि मैं कंटिन्यूस वीडियो में कंसीलर एंड फाउंडेशन का इस्तेमाल साइमल्टेनियसली एक ही बार कर रही हूँ, क्योंकि आई फाउंड इट वेरी ईजी एंड लिटिल कन्वीनियंट। तो फाउंडेशन में I am adding little facial oil to make it more dewy. तो same foundation you will be applying to your neck also. मैं यहाँ पे कहीं बाहर नहीं जा रही थी इसके लिए I didn't apply much on my neck, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो make sure the same amount you apply to your neck also so that both look same. तो अभी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं ये सारे चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको ये लुक कैसा लगा है। इनकेस आप ये एक लुक को रिक्रिएट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिए। तो कॉन्टोर इज समथिंग विच गिव्स अ नाइस sculpt and shape to your face as I always say. तो ये सारी जगहों पर मैंने अपने थोड़े फेस को स्ट्रक्चर करना है तो मैंने उसके लिए कॉन्टोर यूज़ किया है एंड विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर इसे अच्छे से डैप कर रही हूँ। सो वंस यू आर डन विद द कॉन्टोर पार्ट, इसे सारे चीज़ों को सेट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम शी ग्लैम अगेन। After that, it's time to look little pink, and for that I'm using the blush from Makeup Revolution. This was a little darker shade which I didn't consider while buying, and but you know something, मैंने देखा है कि थोड़ा dark आप makeup कर रहे हो, like थोड़ा bright कर रहे हो, तो after a certain time वो आपकी स्किन जैसे ही लगने लगता है, इट सेटल्स एंड इट बिकम्स नाइस नेचुरल लुकिंग टू योर स्किन। आईलैश को कर्ल करने के बाद मैंने मस्कारा लगाया है। इस लुक में भी आई एम नॉट यूजिंग द फॉल्सीज बिकॉज आई थिंक आई एम इन लव विद दिस मस्कारा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इसके दो पार्ट्स है, लाइक फर्स्ट पार्ट इज़ द प्राइमर विच enhances the hair which primes your eyelashes and the second part is the mascara and जी हाँ, अभी आता है हमारा जेल आईलाइनर जो हमने ऑलरेडी आईलाइनर यूज़ किया है, काजल पेंसिल लगाया है, लेकिन दोबारा जस्ट टू डार्कन द आई एरिया बिकॉज इफ यू सी साउथ इंडियंस आर नोन फॉर अप्लाइंग काजल एंड फॉर darker, you know, वो बहुत स्मोकी आई रखते हैं जनरली। तो विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू आई एम जस्ट वाइपिंग ऑफ ऑल द लिप बाम विच आई हैड ऑन माई लिप्स एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग माई लिपस्टिक फ्रॉम हुडा। दिस इज अ लाइटर शेड, नॉट दैट टू डार्क एंड लाउड।
दोबारा निक्स के पैलेट में से मैं वो डार्क वायलेट शेड का इस्तेमाल करूँगी और वाटर लाइन के करीब हल्के हाथों से बस डस्ट करूँगी सो दैट दोनों एक साथ कॉम्प्लीमेंट। Finally, this look is done with the help of Kasav sari, that is this golden border sari and thodi jewelry ke saath, and also maine apna favorite gajra bhi yahan pe laga liya hai jo ki bilkul original hai, theek hai? To agar aap shaadishuda ho to go ahead and apply sindoor which adds on to the look. Bindi agar aap chahte ho to aap zarur laga lijiye, maine to lagaya hai. To aapko ye look kaisa laga hai mujhe please likh kar bataiye niche comment डाउन करिए, और आगे से ऐसे बहुत सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के आगे वाला बेल बटन भी दबाइए क्योंकि उसे दबाते ही आपको जब भी कोई मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जल्दी जल्दी सबके साथ शेयर करिए क्योंकि ओनम इज़ अबाउट टू कम। ऑलराइट, तो मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए टिप्स एंड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए। मिलती हूँ बहुत जल्द आपके साथ, तब तक लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय। और मैं बोलने भूल गई, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सी या टाटा।